वेलकम टू आर एस लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में स्वीर एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो रिलीज़ किया जिसको शायद बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नहीं समझ पाए और उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कमेंट देखने के बाद मुझे समझ आया कि बहुत से लोग इसे एग्ज़ाम से रिलेटेड समझ रहे हैं नर्सिंग को लेकर के। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो कल देखे होंगे तो उसमें मैंने दो प्रमुख बातें की हैं। एक हाँ, लास्ट की थोड़ी सी वीडियो पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, इस कारण भी थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आई होगी, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कल की जो वीडियो थी उसमें दो बड़ी बातें थी। एक, जिस विषय पे मैं बात किया हूँ वो विषय कहता है स्टूडेंट्स के लिए कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो 15 तारीख से और 25 तारीख से जो एग्ज़ाम है वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके लिए जो र्यूमर्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि अन्य यूट्यूबर्स ऐसा डाल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और ये रीज़न्स हैं। दूसरा, बात करता हूँ कि जैसा कि मैंने दो मिनट आप लोगों को ये समझाया कि ये नर्सिंग की हालत हुई क्यों, क्योंकि एक पीआईएल नर्सिंग के खिलाफ कब 2022 और 2023 में जो हमने केस नंबर देखा था 1080/2022 और एक दूसरा केस नंबर देखा था रिट पिटीशन 4847/2023। इसी तरह कल मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया लेकिन आप समझ नहीं पाए, इसलिए मैं आज इस वीडियो के फॉर्म में आपको दिखा भी रहा हूँ कि जैसा आप देखिए, आप जब रिट पिटीशन डालेंगे आप स्वयं देख सकते हैं केस स्टेटस में जा करके, उसमें कॉलम आएगा रिट पिटीशन, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएंगे तो 10806/2024 और जैसे आप कैप्चा इंसर्ट करेंगे तो ये आएगा आप कैप्चा डालने के बाद। और इसमें आप देखिए, ये एक तरीके से पीआईएल दाखिल की गई है जैसा कि नर्सिंग के साथ हुआ। नर्सिंग के जो मैंने कल की वीडियो में बताया था, आपने वीडियो सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार वो वाली वीडियो भी देखिए आप, तो आप शायद कोरिलेट कर पाएंगे कि नर्सिंग का आज ये हालत हुई क्यों, क्योंकि कॉलेज संचालक ही इस तरह से हटकंडा अपनाया। मतलब एक ही बिल्डिंग में चार कमरे हैं तो चार नर्सिंग कॉलेज कर दिया, फेक फैकल्टी रखा, कोई फैसिलिटी नहीं दिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरा दिया, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन गिरा दिया और आज स्थिति है कि वो कोर्ट कचहरी करके भी अपना जैसे तैसे अपनी बात मनवाने के लिए लगे हुए हैं। तो जब मैंने इस केस स्टडी किया, इसमें मैं आपको केस स्टडी पढ़ भी रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ये केस कब रजिस्टर किया गया है, ये पीआईएल कब दाखिल की गई है, 19 अप्रैल 2024 को। अब 19 अप्रैल 2024 के बाद जब लिस्ट डेट मतलब पहली जो हेयरिंग हुई उसकी हेयरिंग कब हुई, 1 मई 2024 यानी कल के दिन पे। अब उसके बाद कल हेयरिंग उतनी ना हो पाई और फिर इसके बाद ये डेट कब दे दिया गया, 6 मई 2024। तो जो लोग नर्सिंग को लेकर के ये धारणा रखे थे कि एक पीआई लगने के बाद क्या हालत होती है, इसी तरह 6 तारीख को जब कोर्ट की हेयरिंग हुई और अब जो 25 तारीख हुई, ये जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि ये पैरामेडिकल, जब मैं इसका ऑर्डर पढ़ा, मैं ऑर्डर पढ़ दे रहा हूँ, इसका ये ऑर्डर आपको मिलेगा जब आप जजमेंटल ऑर्डर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक तरफ इश्यू नोटिस है, श्री ए के निरंकारी गवर्नमेंट एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 स्टेट, फिर श्री विवेक खेड़कर एडवोकेट एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पॉन्डेंट नंबर 2 एमपी पैरामेडिकल काउंसिल। तो ये पैरामेडिकल काउंसिल को लेकर, पैरामेडिकल काउंसिल में सभी पैरामेडिकल कोर्सेज रन होते हैं। लेट प्रोसेस फी बी पेड फॉर सर्विस ऑफ रेस्पॉन्डेंट नंबर 3 बाय टुमारो, लिस्ट इन द केस फॉर फर्दर ऑर्डर इन इंटरिम रिलीफ ऑफ 1 मई 2024। मतलब ये 1 मई वाला है, अब 1 मई का भी ऑर्डर नहीं आया है, वो भी हम जैसे आएगा मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। तो जो एक बड़ा विषय ये हो रहा है कि सर नर्सिंग की एक पीआईएल लगने के बाद ये हालत हो सकती है, तो सर अब पैरामेडिकल का क्या होगा, इसीलिए जो एक र्यूमर क्रिएट हो रहा है कि पैरामेडिकल के एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। मैं कल आपको यही क्लियर कर रहा हूँ, कल मैं आगे यही बताने वाला था और वीडियो कट गया। तो पहली बात, जो पैरामेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं, होंगे ऐसा मैंने नहीं कहा है। क्यों पोस्टपोन हो सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें भी कोर्ट कचहरी चालू हो जाएगी तो फिर एक क्वेश्चन मार्क होगा। एग्ज़ाम हो सकते हैं ऐसा भी, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, एग्ज़ाम हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन वो कब क्लियर होगा, 6 तारीख को जब हम कोर्ट की हेयरिंग देखेंगे। अब आते हैं जो 15 मई से एग्ज़ाम है, तो जो 15 मई के जो, क्योंकि पैरामेडिकल्स को लेकर के मेरे पास कमेंट बॉक्स में आता है सर आप इसके अपडेट नहीं देते, उनके अपडेट नहीं देते, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। 15 मई से लगातार एग्ज़ाम्स हैं, 15 मई फिर जून लगातार एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी ले रही है, तो जो पैरामेडिकल सेक्शन है उसमें तो पीआईएल लग गई। नर्सिंग सेक्शन में क्या दिक्कत आ रही, कि जो 56 कॉलेजेस हैं उनके लिए ये अपडेट है कि 56 कॉलेजेस के जो सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है उसको 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया, 15 दिन की डेट दी। तो अब क्योंकि एग्ज़ाम 15 तारीख से है तो अब इसके लिए क्या रिवर्स क्रिएट हो रहा कि सर एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे क्या, तो अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है।
एग्जाम पोस्टपोन, एग्जाम आपके एज पर शेड्यूल जो 15 मई से है उसको 16 मई को भी ना हो ऐसा यूनिवर्सिटी तैयारी कर रही है जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश ना आ जाए। अभी जो एग्जाम हो रहा है वो 56 कॉलेज के आदेश अनुसार, मतलब 56 कॉलेज का लेने के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, मतलब जो 364 कॉलेजों की जो जिनको सीबीआई की हेयरिंग हो चुकी है, सीबीआई की जिसकी जांच पड़ताल हो चुकी है, उन्हीं के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो ये जो 56 कॉलेज हैं उनका क्या होगा? क्या वो विरोध नहीं करेंगे? वो विरोध करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उनका क्या हुआ, जो स्टे लगा था उनके लिए डेट आगे बढ़ गई 15 दिन की। तो इसी तरह अभी ऐसा कोई रोक नहीं लगा है जिसके कारण एग्जाम नहीं होगा, तो आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए। अब पैरामेडिकल की बात करेंगे तो पैरामेडिकल वाले भी पढ़ते रहें, अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है। 6 तारीख को और क्लियर होगा आपके एग्जाम्स आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, मतलब आप लोग को एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रहना, चाहे नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल। मैं आपको जैसे मेरे पास ये अपडेट आया मैंने आपके ये अपडेट साझा कर दिया, लेकिन कल की जो मेरी वीडियो थी उसको आप पूर्णतः जब समझोगे तभी जब आज की मेरी वीडियो आप देख लोगे, यानी कल की वीडियो समझने के लिए आज की वीडियो भी देखनी पड़ेगी। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और लास्ट में एग्ज़ाम के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी 15 तारीख वाले एग्ज़ाम 15 तारीख को ही लेगी, वो एक दिन भी लेट करने के मूड में नहीं है। दूसरा, जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश ना आ जाए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करना है, मतलब लीगल ओपिनियन अगर जब तक नहीं कुछ आता है तब तक कुछ भी, मतलब कोर्ट से अगर स्टे नहीं लगेगा एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल होंगे। तीसरी बात, पैरामेडिकल को लेकर के आप लोग के भी एग्ज़ाम एज पर शेड्यूल अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप लोग के लिए 24 अप्रैल को, जैसे कि मैंने 19 अप्रैल को एक पीआईएल दाखिल कर दी गई और उसकी सुनवाई 6 तारीख को है, तो 6 तारीख को अगर इसके पहले भी कोई अपडेट आती है तो मैं उसके लिए भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई करते रहिए, अगर 6 तारीख को ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि आप लोग एग्ज़ाम होंगे तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन अभी के इस तरफ एग्ज़ाम नहीं होंगे ऐसी कोई अपडेट आती मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। धन्यवाद।